मीर, अंदर ते मंत्रों की आवाज आ रही है, वो लोग जरूर अंदर ही है। थैंक यू नीलम कि तुम यहाँ आई। तू बाहर जाके बैठ, मैं जरा डॉक्टर साहिबा से कुछ बात करके आती हूँ। जी अम्मा। डॉक्टर साहिबा, मन बस एक ही फिक्र है कि अगर नीलम की बीमारी के बारे में उसके पति को या उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो उसका घर टूट जाएगा। क्या आप कैसे भी करके इस मनहूस बीमारी को जड़ से खत्म कर दो बस। नीलम पर सबसे ज्यादा असर करने वाली दवाई तो आपके पास है बर्फी जी। हमारे पास कौन सी दवाई है? देखिए, नीलम के केस में जब भी वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव या ह्यूमिलिएशन फील करती है या जब भी उसे किसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो अंदर ही अंदर घुटती है और तब उसके अंदर की वो स्प्लिट पर्सनालिटी, वो लैला, उसका वो दोहरा व्यक्तित्व, वो स्ट्रांग होकर सामने आ जाता है। बर्फी जी, नीलम को आपके प्यार और सहारे की जरूरत है। उसे ये विश्वास होना चाहिए कि जब भी उसे जरूरत होगी आप उसका साथ देंगी। अगर आप अपना बिहेवियर बदल पाती हैं तो अपनी बेटी को भी बचा पाएंगी और बाकी के लिए तो मैं हूं ही। मैं समझ गई डॉक्टर साहिबा, मैं इन बातों का पूरा ख्याल रखूंगी। धन्यवाद। आंख बढ़ रही है मित्र राम से। बच्चा का? बच्चा ठीक? वो बाहर है से। यो चलो। नीलम की रिपोर्ट्स आ गई हैं।
और ये रिपोर्ट्स देखकर मैं यकीनन कह सकती हूँ कि नीलम के ठीक होने के फेयर चांसेस हैं और उसका घर भी नहीं टूटेगा। सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा। बर्फी जी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। I'm sure कि जब ये खबर नीलम के हस्बैंड और उसके ससुराल वालों को पता चलेगी तो वो बहुत खुश होंगे और फिर नीलम को सबका प्यार सबका अटेंशन मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी बीमारी अपने आप क्योर होने लगेगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, ये उसके लिए हेल्पफुल होगी। उसने मुझे छुआ। नीलू ने मां बनने की खबर दामाद जी और नीलू के रिश्ते का अंत करा देगी। एक मिनट ना लगेगा उन्हें नीलू को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकने में। के बाद भी अगर तुम जाना चाहती हो ना तो मीत जाओ, जाओ मीत, लेकिन एक बात याद रखना, एक पल नहीं रुकने वाला हूँ मैं तुम्हारे बिना मीत। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा मीत। कैसे? मैं तो बोल, घर वालों ने जरूरत है तेरी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि अगर तुम ही चली जाओगी तो मैं रूठूंगा किससे मीत, मैं लड़ूंगा किससे, मैं मजाक किससे करूंगा, मैं हंसूंगा किससे, मैं प्यार किससे करूंगा मीत तुमसे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी मीत, तुम्हें मैं जाने नहीं दे सकता मीत, तुम नहीं छोड़। मीत, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी मीत, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी मीत। तू मुझे छोड़कर नहीं जाओगी मीत। मॉम डैड, डॉक्टर्स ने कहा है कि मीत तेजी से रिकवर कर रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि किस तरह से तूने भगवान से मिन्नतें की कि तेरी मीत तुझे वापस मिल जाए, भगवान ने तेरी सुन ली हुई। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, उसी डॉक्टर ने कहा है कि तू हमारी बहू बेटा के लिए एंजल बन के आया है। हमारी बहू को वापस लाने के लिए, उसे एक नया जीवन देने के लिए थैंक यू। ऐसा करेंगे आप, हाथ जोड़ेंगे? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए डैड, हाथ मत जोड़े। नहीं, ये हाथ प्रायश्चित में उठे हैं। मैं ये समझ बैठा था कि तुझे मेरी बहू की जरा भी परवाह नहीं है। और आज जो इसके साथ बार बार हो रहा है इसको। रोएंगे नहीं आप? हम सब ने बहुत दुख झेल लिया, मीत भी लौट कर वापस आ गई, अब
और रोना नहीं डाल। अब हमारे चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट होगी। प्रॉमिस कीजिए आप, प्रॉमिस कीजिए कि अब हम सबके चेहरों पर सिर्फ स्माइल्स होंगे डैड, ओनली स्माइल्स। मॉम, व्हाट? क्या मीत भाभी को अब तक होश नहीं आया है? मम्मी जी ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है। यो छोरी मीत मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ बन के खड़ी है, और नीलू के पेट में बच्चे की खबर से दामाद जी तो मारे नीलू से और दूर चले जाएंगे। मम्मी जी ने कहा है कि कल वो लोग वापस आ रहे हैं और वो हम सब के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। अच्छा है ना, हम सब साथ में मिलकर करवा चौथ की पूजा करेंगे। नीलम, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना, और कल भाई भी लौट रहा है, पर तुम्हें क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? तो पेट से खुश कैसे होगी? उसे ये चिंता हो रही है कि थारा भाई तन्ने इस घर में बर्दाश्त करेगा कि ना। इसड़ी अपना सामान बांध ले, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी खाली हाथ बिना सामान के जाना पड़ जाए। पर कैसे बताऊं मीत उसको पहने के टैक्स आते, जब ये बात उसको पता लगेगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भी वो इंसान जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था दीप, उसको खोने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए अम्मा ने मेरे सामने जो भी शर्त रखी मुझे माननी पड़ी। इस राज को छुपाने के लिए आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। सुन, तन्ने मारी बेटी से ब्याह करना होगा। इस बात को अपने मन में दबा के रखने में मैं जानता हूँ मीत मुझे कितनी तकलीफ हुई। इतना दर्द, तुमने तकलीफ अकेले क्यों बर्दाश्त की? पापा जी ने बता देता तो कम से कम उनके गुस्से थे, उनकी नाराजगी थे तो बन जाता ना। मैं सिचुएशन में रिस्क नहीं ले सकता था, और इस परिस्थिति में रह के मुझे समझ में आया कि तुमने वो बच्चे वाली बात और वो मानुषी वाली बात मुझे कभी क्यों नहीं बताई। और मैं यहाँ पागलों और बेवकूफों की तरह बार बार तुम्हारी ममता पर शक करता चला गया। उम्मीद बहुत मिस किया हमने तुझे। और भी ज्यादा मिस किया हमने भी। ईशा इधर आ जा। चलो भाई बैठ जाते हैं। मॉम डैड बच्चे जब गलती कर देते हैं तो माँ बाप का पूरा हक होता है उनको सजा देने का, इससे उनको उनकी गलती के बारे में समझ आती है। पर कभी कभी उन्हें यूं ही माफ कर देना भी उन्हें सबक सिखाने जैसा ही होता। हाँ मम्मी जी, मासूम दी ने एक और मौका मिलना चाहिए, उन्हें माफ कर दीजिए।
सिर्फ अपने बेटे और बहू की रिक्वेस्ट पे मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती दोबारा करने का तुमने सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मासूम, एक बात याद रखना, माफ करने की भी एक हद होती है। यस डैड। खुश रहो। चाची जी, वो नीलू और करेली काकी नजर ना आ रही? यही कहीं होंगे। अब उन दोनों को मैंने कुछ घंटों पहले बाहर जाते हुए देखा था। बर्फी आंटी बहुत टेंस्ड लग रही थी, मैंने पूछा बट उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही हैं। आप लेट जाइए। मुझे अपना बच्चा नहीं गिराना। अम्मा, वो मुझे नहीं मारना इस बच्चे को, हम घर चलते हैं। क्या बोल रही है बर्फी जी? जब तक आपकी बेटी अपना मन नहीं बना लेती अबॉर्शन के लिए, मैं ये अबॉर्शन नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, अबॉर्शन करना तो बहुत जरूरी है, मैं इसे समझाती हूँ, आप तैयारी करो बस। इधर आ, आ, आ। पागल हो गई है? यो ही आखिरी मौका से, तय कर ले। इतने ये पाप चाहिए या दामाजी के साथ रिश्ता? यो पाप ना यो कणंक थारे कोख में ना सांप की तरह पड़ा पराया जो थारे और दामाजी के रिश्ते को ना डस लेगा, और बाद में थारे पास पछतावा, दुख और शर्म के अलावा कुछ ना बचेगा। समझी? चले चल, और चल के चुपचाप बच्चा गिरा जाए। थूकेंगे लोग तारे पे, थूकेंगे, आवारा बदचड़ों न जाने की क्या कहेंगे, समझ आ रही है तू? पागल मत बन, चढ़ चुपचाप, और चढ़ के ना बच्चा गिरा। डॉक्टर साहिबा, आप कैसे भी करके अपना काम पूरा करो, पर इसकी मैं दुगुनी कीमत देने को तैयार हूं, समझ रही हो ना? और ये बंधन एक जन्म या सात जन्म तक टूटने वाला नहीं, और फिर इस बंधन को अपनी ताकत बनाकर पूरी दुनिया जीत लूंगा मैं। समदर्ण जी, मन्ने तो लगा था कि यो खुशखबरी सुन के आप मन्ने गले से लगा लोगे, मारी नीलू का माथा चूमोगी और उसे आशीर्वाद दोगी, पर आप तो ऐसे जम गई जैसे कोई सदमा लग गया हो आपको। आपके खानदान का सबसे नन्ना मेहमान आने वाला है, ऐसी खुशी आने वाली है जिसका बरसों से इंतजार कर रहे हो आप लोग, और खुशी की खबर सुन के आप लोगों को खुशी ना हुई? समधी जी तो बिल्कुल भी खुश ना लग रहे। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या होता है कि जब एकदम से खुशी मिलती है ना, तो उसको
एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लग जाता। राज भी बहुत खुश है। राज, राज आप ही कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ सवालों और शिकायतों को दफन कर देना जरूरी होता है। मुझे लगता है राज इस वक्त बीती बातों को भुलाकर नए रिश्तों की टोर थामना जरूरी है। रिश्तों के धागों ने इतनी मजबूती से बांधने कब सीखा तूने? रिश्ते कितने अनमोल होते हैं मीत, ये बात पता है इंसान को कब पता चलती? जब वो रिश्ता उसके हाथ से फिसल कर मेरी भूल की वजह से मुझे तुम्हारी कीमत पता चली मीत। और मिसेस मीत अलावत, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप खुद भी कितना जान लेना, तब भी इस मीत को इस मीत से अलग नहीं कर सकती आप, नहीं कर सकती है। अब जल्दी से मॉम डैड के पास चलेंगे और उन्हें सब कुछ बताएंगे। उन्हें मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, फिर वो हमारे इस रिश्ते को दोबारा से चूमने के लिए तुरंत मान जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हें कभी इस घर की बहू का दर्जा नहीं दिया, बल्कि तुम्हें इस घर का सदस्य भी नहीं माना। लेकिन आज जब मेरे बेटे ने खुद तुम्हें बीवी वाला दर्जा दे दिया है, मैं तुम्हारा हक तुमसे नहीं छीन सकता। इसलिए आज से तुम इस घर की सदस्य हो। इस घर की बहू हो और मेरे बेटे मीत अलावत की इस धागे में पिरोए 108 लड़ियों के पवित्र बंधन को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे गले में पहना कर तुम्हें अपना बना लूंगा। आप खुद भी कितना चाह लेना, तभी इस मीत को इस मीत से अलग नहीं कर सकती आप। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं इस शादी के लिए। हाँ कर दो बेटा, मैं चाहता हूं बेटा कि तुम दिल से हाँ करो। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। जब एक बाप अपने बेटे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसकी झोली में कुछ डालता ही है, और आज एक बाप होने के नाते मैं तुझसे सिर्फ ये उम्मीद रखता हूं कि तू इस लड़की के साथ पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस रिश्ते को निभाएगा। अपनी नादानियों में तूने जो मेरी बहू बेटा के साथ नाइंसाफी की है, वो दोबारा इस लड़की के साथ नहीं करेगा।
पता है, कहने को सब अपने हैं, पर सिर्फ मुश्किल घड़ी में पता चलता है कौन नाम का है और कौन दिल का। आप दोनों ने जिस तरह मेरे लिए स्टैंड लिया है ना, उसके लिए थैंक यू तो एक बहुत छोटा सा शब्द है। मगर फिर भी थैंक यू। पहली बार लगा है जैसे मेरी फीलिंग्स क्या है कोई और भी समझ सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। किस्मत ने आप दोनों को एक नाम दिया है और ईश्वर ने एक दिल जो दोनों में अलग अलग धड़कता है। और ऐसे प्यार के बीच आने का किसी को कोई हक नहीं है, मुझे भी नहीं। मुझे आप दोनों से बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी कि इस बच्चे को कोई बाप की औलाद कहे। एक बार ये दुनिया में आ जाएगा ना, मैं आप दोनों की जिंदगी से चली जाऊंगी। ये आपका मंगलसूत्र है ना दी? कल करवा चौथ का व्रत और पूजा आप दोनों को करनी चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते और इस प्यार की डोर ने आप दोनों को बांध रखा है। मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊंगी। इस घर में जो सही और गलत की सीमाएं है ना, वो बहुत पहले खत्म हो गई। तुम इस घर के साथ दिल से जुड़ी हो तो मैंने तुम्हारे हिस्से के हक, तुम्हारी खुशियां नीलम की झोली में डाल दी। अगर तुम मेरी जगह पे होती तो शायद मजबूर होकर यही फैसला लेती। बाबड़ी, दूसरों के घर में रोशनी करने के लिए अपने हृदय में आग लगाने वाली बेटी पे हंसू कि अपना सर दीवार में मार लू? अम्मा जीने छोड़ेगी? अपनी किस्मत को आग लगाने चली ना तो सबसे पहले मैं सर टांगे तोड़ के रख दूंगी। घर छोड़ के जाएगी? कहां जाएगी घर छोड़ के? कौन अपनाएगा तन्ने? कौन जी, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे। मैं उनकी बीच नहीं आना चाहती अम्मा। मैं सच में चाहती हूँ कि वीर जी और वीर दीदी एक हो जाए। मैं उनके बीच दीवार नहीं बन सकती। गड़ हो गई है तू, गड़ हो गई है। Yeah.
मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैंने धोखा दिया है तुम्हें। पापा जी नहीं नहीं बेटा बेटा ऐसा नहीं बात, नहीं नहीं देखो धोखा और नाइंसाफी अगर चाहे किसी भी वजह से की जाए लेकिन उसकी कोई भरपाई नहीं होती, उसके लिए कभी कोई माफी नहीं मिलती। मैं जिंदगी भर अपनी इस गलती के लिए जी। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, इस घर में तुम्हारे अधिकार चाहे बदल जाए, रिश्तों के बहाने चाहे बदल जाए, लेकिन तुम मेरी बहू बेटा हो, हमेशा रहोगी, हमेशा मेरी बहू बेटा रहोगी। नीलम की सच्चाई अगर जमाने वाले को पता चल गई तो वो हमारी बेटी को चीड़ कौओं की तरह नोच खाते, हमारी बेटी की जिंदगी बचा लो दामाद जी। पापा जी अमित भाभी, आपकी वजह से मेरे अपने भाई ने मुझे मेरे ही घर से निकाला था, उस वक्त आप तमाशा देख रही थी, आज का तमाशा और मजा दोनों मेरे नाम होगा। हेलो दादी नमस्ते, मैं मासूम। बोलो। दादी आपके मुझ पर बहुत एहसान है इसलिए आज अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको कुछ बता रही हूँ। वो नीलम है ना, वो प्रेग्नेंट है, आपके दामाद के बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये खबर सुनाते ही वो घर पे सबकी चहेती हो गई है। मॉम डैड ने उसे अपनी बहू मान लिया है। मुझे तो मीत भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा है दादी, वो हमेशा हर वक्त सबके साथ खड़ी रहती है लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली हो गई है। पता नहीं इतनी बेइज्जती वो अकेले कैसे सहेंगी दादी। आज तुम्हारे बिना कुछ किए ये बुढ़िया प्रकट हो गई आग का कोड़ा बनके, मारी मुराद पूरी करने और इस मीत हुडाने इस घर से ले जाने के लिए, पण यो आग लगाई किसने है? बड़ा विश्वासघात करके क्या बात बोलने आया है तू? कितने भरोसे से इसका हाथ तेरे हाथ में सौंपा था और इसने भी तेरा हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश की और तुझे छोड़ने की। ये छोरी तेरे लिए मौत से लड़ गई, इसे पल पल मारने की कोशिश कर रहा है। बीती बातें ना करें, अगर मीत बहू ने बहुत कुछ किया है तो मेरे बेटे ने भी तो उसका इतना ख्याल रखा है, और इसके लिए तो छोड़िए, मेरा बेटा तो आप लोगों के लिए भी एक पांव पे हमेशा खड़ा रहा है, और इसके आगे हाथ जोड़ने के बजाय आप थप्पड़ मार रही है मेरे बेटे को। रखिए अपने बेटे को अपने पास, और मैं अपनी लाडो को लेके जा रही हूं इस घर पे। जहां अपनी जरूरत पड़ने पे उसके कंधे पे जिम्मेदारी लाद दी जाए, और जब हक की बात हो तो उसके पीठ में छुरा घोंप दे। मैं अपनी लाडो को ऐसे घर में ना रहने दूंगी। चल लाडो, चल जल्दी। प्लीज एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं मानता हूं हमसे गलती हुई है, मेरी बहू बेटा इस घर से मत लेके जाइए।
कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी दादी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, राज और मुझे चार बातें सुनाकर चली गई। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसी की तुमने? जाओ यहां से। मैंने कहा मॉम प्लीज शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए ना प्लीज। इसकी दादी तुझे थप्पड़ मारकर चली गई, हम सबकी बेइज्जती करकर चली गई, और तू अभी भी इसकी साइड ले रहा है? मॉम आप डैड दादी हमें डांट भी सकते हैं, फटकार भी लगा सकते हैं, आपका हक है। मॉम आपने मीत को डांटा या दादी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, इससे रिश्ते की डोर टूट तो नहीं जाती ना? और मीत ने तो हमेशा अपने सारे फर्ज निभाए हैं मॉम, चाहे बेटी के रूप में, चाहे बहू के रूप में, और फिर बेटे के रूप में भी निभाए। प्लीज माफ कर दीजिए मॉम। तुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है, तुझे इसके अलावा कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है। जब अपनी माँ का अपमान ना दिखा तुझे तो और कुछ बोलकर फायदा ही नहीं है तुझे। प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। दोनों मीत तड़ने एक दूजे के लिए बने दिखते हैं ना, तो उनके बीच की दीवार है, उन दोनों को एक करना चाहती है, इसलिए वादा करके आई है कि दोनों साथ में करवा चौथ मना। तू क्यों सच सवर रही है? जाना जाके अपनी सौत ने सजा। खागण छोरी तू के उन्हें एक करेगी? वो छोरा जो थप्पड़ खा के भी अपने बाप से दूर रह के भी उसी छोरी का गीत गाता है, इससे तो तय है ना कि वो छोरा उसी छोरी का है। बहुत जल्दी वो तड़ने चाय पे आई मलाई की तरह उठा के वो अपने जिंदगी से बाहर फेंक देगा और उसी नीत बूढ़ा को अपनी बीबी बनाएगा, समझ रही है? हो गई पूजा की तैयारी? जी। नीलम? नीलम नहीं आया अभी तक। रुको मैं लेकर आती हूँ। मम्मी जी आप रुकिए, मैं जाकर ले आती हूँ। क्या रे नीलू, क्यों टेंशन में मरी जा रही है? हाँ लैला तेरी सारी मुश्किलों का इलाज है, और ये लैला मीत अलावत के साथ करवा चौथ का व्रत रखेगी भी और उनके साथ व्रत खोलेगी भी। सुनने लो बोतल छोड़ दे। नीलम नीलम शैतान का नाम लिया और शैतान खुद चल के मेरी दरवाजे पे, लैला के कहर से अब कोई बचेगा नहीं।
अरे नीलू, नीलू इस जने क्या हो गया? पेट से है और व्रत किया है तो बेहोश हो गई हो। और के पकड़ो। हाँ आराम से। अच्छा क्यों? क्यों दारू जैसी बदबू कहां से आ रही है? वो नेल पॉलिश साफ करने की बोतल टूट गई, देखो ना टुकड़े पड़े हैं। मैं साफ करती हूँ अभी। नीलू नीलम पानी 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 पर पानी रुक बस रुक मैं लेकर आती हूँ। नीलू आराम से यो ले। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये क्या करने जा रही थी तुम? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद ये बेचारी लड़की करवा चौथ रखने की हिम्मत कर रही थी और तुम इसका व्रत तोड़वाने जा रही थी? हाँ मम्मी जी, यो व्रत और कमजोरी के कारण बेहोश हो गई और बेहोशी में पानी मांग रही। साफ साफ कह क्यों नहीं देती हो कि हाँ तुम इसकी बेहोशी का फायदा उठाना चाहती थी? लैला सबके सामने आ जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। अभी जी पर मीतू ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मेरे बेटे की पत्नी होने का हक अब नीलम को मिल चुका है, इसलिए। और कोई भी औरत अपनी सौतन को मिलने वाले अधिकार और उसको मिलने वाली खुशियां कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी दादी ने मेरे घर पर आकर मुझ पर उंगली उठाई थी ना? अब फोन करूं मैं तुम्हारी दादी को और बताऊं कि क्या ये संस्कार दिया आपने अपनी पोती को? मासूम फोन देना, मैं अभी फोन करती हूँ उसके दादी को और बोलती हूँ कि जलन के मारे इसका व्रत तोड़वा रही थी। जी मम्मी जी, अपने सचमुच ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? छोरी जब ब्याह करके आती है तो उसके साथ उसके मायके के संस्कार भी होते हैं और ससुराल की मर्यादा भी। अपने सच में लगता है कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊंगी, अपनी मर्यादा पार कर दूंगी? नीलम को कमजोरी हो रही थी, वो पेट से है इसलिए मैंने उसके लिए शक्कर और नमक वाला पानी बनाया था। बस और कोई इरादा ना था मेरा। नीलम तुम ठीक हो? सॉरी मम्मी जी, मीत दीदी से पानी मैंने ही मंगाया था। शुक्र है लैला शांत हो गई। दो तोले की मुंदरी ला दे
दिन तो लेका कंगना। आपको तो बहुत चोट आई है, कहीं मुझसे तो नहीं गलती से ये हो गया ना? वो उधर तखत पे कील लगी है, छोरी का हाथ शायद लग गया होगा उस पे। चलो अब सब पूजा की तैयारी कर लो, चांद कभी भी नजर आ जाएगा। माता रानी, मारी छोड़ी के अंदर की लैला को पूजा होने तक बाहर ना आने देना, वरना लोग उसकी बीमारी को ना समझेंगे, सीधा उसे पागल समझेंगे। बबीता जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आपका फेवरेट मिल्क केक। मैं अपने हाथों से खुद खा लेता हूँ। नहीं, मतलब आपको खिला देता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाने आप अपने लिए लाए हो ये स्वीट? सोचा तो मैंने यही। सोचिएगा भी मत, बैन है आपके लिए। बड़े आए लीजिए। आज नीलम बहू का पहला करवा चौथ हमारे बेटे के साथ, ऐसे में वहां पर मीत बहू का भी होना, आपको नहीं लगता कि नीलम को थोड़ा अजीब महसूस हुआ होगा? आप खुद ही सोचिए ना, अपनी ही स्वतन के सामने अपने पति के लिए करवा चौथ की पूजा करना। बबीता जी, मीत बहू का हक, उसका सबसे अहम रिश्ता हमारा बेटा मीत, मैंने नीलम की झोली में डाल दिया, इसका मतलब समझती हैं आप? इसका मतलब ये है कि इस पर नीलम का कोई हक नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी थी इसलिए हमने ऐसा किया। मानती हूँ राज, मजबूरी थी, लेकिन राज अभी ये बात चार दीवारी के अंदर है, कल को जब घर के बाहर ये बात जाएगी और लोग हमसे बातें करेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? देखिए बबीता जी, अभी आप ना इस बात को बिना मतलब के गलत दिशा दे रही हैं। राज चलिए, नीलम की बात को छोड़िए, मीत की फीलिंग्स का क्या? क्या उसको अच्छा लगेगा कि अब तक जो उसका पति था, आज उसकी लंबी उम्र के लिए कोई दूसरी औरत करवा चौथ का व्रत कर रही है? राज, दुनिया में कोई भी औरत अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बात तो आप भी जानते हैं। अच्छा होता कि उस दिन अपनी दादी के साथ मीत अपने घर चले जाते। देखिए बबीता, कम से कम मीत बहू को बेटा माना है मैंने, आपके बेटे पे अधिकार चाहे उसका ना हो, लेकिन इस घर पर और इस घर में होने वाले हर फैसले पर पूरा अधिकार है उसका। और अब इसके बारे में हम लोग दोबारा बात नहीं करेंगे। धुंधा की ये बात कैसे हुई कि ये मेरे मीत के इतने करीब आए, उन्हें छुए? अरे करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है और मैंने सवेरे तक कुछ ना खाया पिया, तो तू पूजा करवा के मेरा व्रत खुलवाएगा कि रोमांस करता रहेगा? अच्छा सॉरी, करवा चौथ की पूजा पूरी करते। खुशी में उछल रहे हैं ना, सिंदूर लगाया जा रहा है, मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, सुहागन बनाया जा रहा है, पर कहते हैं ना, छोड़ी हुई औरत भले कितनी ही आइटम क्यों ना हो जाए,
उसके हिस्से ना तो सुहाग आता है ना खुशियां। बेचारी कितनी मासूम है, सोच रही है कि उसके करवा चौथ का व्रत पूरा हो जाएगा, मगर उसे पता नहीं है कि ये लैला कोई मामूली लैला नहीं, बिच्छू है जो सीधा डंक मार के इनके व्रत में जहर फैला चुकी है। अब देख लैला का कमाल। लैला वो बला है जिसने एक फूंक में तेरे सुहाग के रंग को कफन जैसा सफेद कर डाला। सिंदूर सफेद, चूड़ा सफेद, जोड़ा सफेद, सर से पांव तक मनहूसियत का रंग सफेद। क्योंकि मीत जो लाल जोड़ा लाएंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ लैला का हुक्म होगा। किसका? मीत हुड्डा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मीत जी के लाए जोड़े में करवा चौथ की पूजा करेगी? मीत सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और उनकी लाई हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मीत हुड्डा, मैं तुझे इस जोड़े में करवा चौथ की पूजा करने ही नहीं दूंगी। तेरी जिंदगी से सारे के सारे रंग निचोड़ कर रख दूंगी और बचेगा क्या, केवल कफन जैसा सफेद रंग। पूजा का मुहूर्त खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। सफेद कपड़ों में तो मैं पूजा ना कर सकती, कोई सुहागन पूजा ना कर सकती, और अगर मैं कपड़े बदलने गई तो मुहूर्त खत्म हो जाएगा, मेरा व्रत सफल ना होगा। यही तो मैं चाहती थी मेरी जानी दुश्मन, कि मुहूर्त निकल जाए और तेरी पूजा अधूरी रह जाए। अब मुहूर्त में बचे हैं केवल 45 सेकेंड, 44 सेकेंड। मुहूर्त बीता जा रहा, क्या करें? वो करवा चौथ का व्रत कैसे तोड़ोगी मीत? क्या सोच रही हो मीत? क्या हुआ अम्मा? आप अम्मा, ये सब ये क्या हुआ, कैसे हुआ मेरे पास ये सब कैसे हुआ अम्मा? ये इतने बंदे कपड़े, इतना बंदा मेकअप, ये जब मैं कमरे में गई थी मुन्ने ऐसा लगा था जैसे कि कमरे में कोई है, और मैंने वहां पर वो ऊंची हील वाली सैंडल के निशान भी देखे थे। घर में कोई भी ऐसी सैंडल ना इस्तेमाल करता, इसका मतलब तो ये है ना कि कोई बाहर वाला घर में घुसा है और हम पर नजर रख रहा है। कुछ नहीं होने दूंगा। मासूम दीदी ने तो नहीं मुझे फिर से शराब पिला दी
उसी नशे में मैंने खुद के साथ ये सब कर लिया। अम्मा, अम्मा, बताइए ना ये क्या है? ट्राई कीजिए ना। सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। सो सॉरी, कर देती हूँ। समाज सेवा बाद में करना। चलो चल के पहले अपने लिए नाश्ता ले लो। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। कमाल है। जो रिश्ता सबसे प्यारा है मन ने, उसी ने बचाने के लिए सारे घर वालों से छिपाना पड़ रहा है और इन सब में पिस रही है तू। ऐसा मत कहिए मीत दीदी, सच्चाई तो यह है कि आप और मीत जी इतना कुछ झेल रहे हैं सिर्फ मेरे लिए, ताकि मेरे बच्चे पर कोई उंगली ना उठाए। आपको कितना कुछ सहना पड़ रहा है ना मेरी वजह से। बस मुझे ये नहीं पता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतना ना सोचते। और तन्ने पता है, जब औरत पेट पे होती है ना, तो उसने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि अगर माँ खुश रहती है तो उसका बच्चा भी हंसता है। तो तू सारी चिंता छोड़ और अपने बच्चे की हंसी के लिए ना मुस्कुराना सीख ले। पर नहीं, उसे तो बस नीत हुड्डा की पड़ी हुई है। गलतियों से इंसान को सबक लेना चाहिए। इस घर का वारिस खोके बहुत गहरा घाव दे दिया है नीत बहू ने। मैं मानती हूँ भाभी जी कि नीलम बहू जो खुशखबरी दे रही है वो वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन उस वजह से मीत बहू के दिल को दुखाना ये बात तो सही नहीं है ना। और जो उसने हमें धोखे में रखा वो, मैंने इस घर का वारिस खोया है, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है उसकी वजह से। लेकिन तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम मेरी बात तब समझोगे जिस दिन तुम किसी अपने को खोगी, तब शायद तुम्हें रियलाइज होगा कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कितने दर्द। नहीं रागनी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस, इट्स ओके भाभी जी। आप ये कोशिश कीजिए कि नीलम ज्यादा से ज्यादा समय अपने पति के साथ बिताए और उन दोनों के बीच एटलीस्ट कुछ समय तक मीत हुड्डा ना आने पाए। डॉक्टर निसाइबर ने कहा है कि नीलू की बीमारी ने बढ़ने से बचाना है तो मीत हुड्डा और दामाद जुड़े एक दूसरे से दूर रखना होगा। और यो काम बबीता जी से बेहतर बड़ा कौन कर सके है। नीलम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? What's wrong with your hair and makeup? अरे भेजा होता है वहाँ, क्या चमगादड़ उड़ रहे हैं तेरे? मैं तुझे नीलम दिख रही हूँ। लैला हूँ मैं। You know what? मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे शक हो गया था। कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ। और फिर अचानक से जब भैया ने तुमसे शादी की ना, तब वो कंफर्म हो गया। वेल, मेरे पास ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। भैया और भाभी बस आते ही होंगे, वो भी तुम्हारा ये ना अजीब सा रूप देखेंगे। नीलम, फिर नीलम, पागल लड़की। बोला ना, लैला, लैला। एक बार समझ में नहीं आता क्या? नीलम, क्या बदतमीजी है ये? लैला, दिलिक,
तोहफा लाई हूं मैं बहुत खास। देना, तेरे लिए ही है। पकड़। क्या चल रहा है ईशा के दिमाग में? इंटरव्यू के बाद सीधा घर आना चाहिए था या हमें कैफे में क्यों बुलाया? कितने सवाल बरसाए जा रहा है, अभी पहुंच तो गए, बस देख लियो ना जाके। डेथ सर्टिफिकेट? तेरा दीप मर चुका है। नहीं, नहीं, मर चुका है तेरा दीप। नहीं, मर चुका है। तेरा सिंदूर भी झूठा है। नहीं। और जानती है क्या वो कैसे मारा? एक्सीडेंट से। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये तो मजेदार बात है ही नहीं। मजेदार बात तो ये है कि उसको तूने मारा। तूने अपने पति को अपनी कार से उड़ा डाला। मीत, मीत हमें ही साने जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। वो अपने आपे में ना होगी और मन ने तो डर है वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। ईशा कहाँ है तू? मीत चल। बड़ा पैनिक अटैक हुआ है। इसका मतलब साफ है कि कोई बात इन्हें हाईली अफेक्ट किया है। मैंने इंजेक्शन देके तो सुला दिया है, बट इनकी हालत बहुत खराब है। जो कुछ है मैं अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। ओके। रागिनी, बहुत खुश थी ईशा, इसका सपना पूरा ही होने वाला था। ऐसा क्या हुआ होगा जो उसको पैनिक अटैक आ गया? की खुशियों को हमेशा नजर लग जाती है। आज कहीं ऐसा तो ना है कि ईसा की यो हालत लैला के कारण हुई हो।
ईसा दामाद जी और मीत हुडा के करीब है। इस कारण से लैला ने उन्हें सबक सिखाने के वास्ते ईसा ने निशाना बना लिया। चाहिए। थैंक यू सो मच। अरे भाई, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे हॉस्पिटल ने ईशा का इलाज करने के लिए हाँ कर दी है। क्या? हाँ, अभी मेरी डॉक्टर से ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा है कि 100% गारंटी है कि ईशा का इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और उसका पूरा ख्याल रखेंगे। बोलो। जय माता दी। इसलिए आज ही तेज को ईशा को लेके न्यूयॉर्क के लिए निकलना होगा। थैंक यू प्राची। अरे भाई राम, तुम लोग रो क्यों रहे हो? अरे इतनी अच्छी खबर सुन के तुम्हारी आंखों में आंसू। ऐसे मत करो भाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईशा हमारे कलेजी का टुकड़ा है, उसे रोते हुए विदा नहीं करेंगे, हंसते हुए विदा करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ईशा का इलाज बहुत अच्छे से होगा और वो ठीक होकर आएगी। अब कोई नहीं रोएगा। अरे भाई, को पानी लेके आओ और आगे नहीं करिए। जा। थैंक यू। मीत। जी डैड। फौरन फोन करके दीप को इन्फॉर्म करो कि ईशा को इस तरह के पानी का अटैक्स आ रहे हैं। इस हालत में उसका ईशा के साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब दीप को इस बारे में पता चलेगा तो वो बेचारा कितना घबरा जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि ऐसा क्या हो गया ईशा की जिंदगी में कि वो स्टेज तक पहुंच गई। बेचारा कितना परेशान हो जाएगा। दामाद जी और मीत हुडा ने अब तक हमारे दीप के मौत का राज सबसे छुपा के रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि यो बात ईशा पर खुल ना जाए। इसी दबाव में आके दामाद जी ने मारी नीलू से ब्याह किया। पर जहां ईसा ने सच्चाई मालूम है, क्या आज ये दोनों घर वालों से सच्चाई छिपाएंगे या सब बोल बैठेंगे? पापा जी, मीता सबने कुछ बताना चाहता है। मीत बताना चाहता है कि दीप भैया वो इस दुनिया में न रहे। सामने आरती उठी थी दीप भैया की, मीत ने अब तक
प्रदीप भैया के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। उसने सब से छुपाया कि दीप भैया बना रहे ताकि ईसा ने गलती से भी पता ना चल जाए और उसने कोई सदमाना लगे। असल में दीप भैया का एक्सीडेंट ईसा की गाड़ी से हुआ था। एक्सीडेंट के बाद इतना घबरा गई कि उसने देखा भी ना कि गाड़ी पे कौन टकराया है। वो वहां से भाग गई और मीतियों बात छुपा रहा था। पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैं क्या करता? अगर ईशा को ये सच मालूम पड़ता कि उसी की गाड़ी से दीप का एक्सीडेंट हो गया तो वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और फिर उसको अगर कुछ हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि ये सच मैं अपने अंदर ही दबा कर रखूं। मित्रने सबसे पहले दीप भैया की फैमिली ने, अम्मा जी ने और नीलू ने अपनी फैमिली माना। नीलू तो शादी की, उसने सहारा दिया, उनकी जिम्मेदारी उठाई। मीत ने हमारे लिए वो किया जो मरण दीप करता। एक बेटे से बढ़ के देवता की तरह हमें संभाला। एक एक जड़म में चुकी है ना इसने। तुम्हें याद रहा ये फोटो? ईशा के स्कूल का पहला दिन था। रो रही थी ना, रो तो तुम भी रही थी राधे। ये देखो, उसके स्कूल की पहले पिकनिक थी, बहुत डरी हुई थी वो। डरी तो तुम भी थी राधे। कितनी सुंदर लग रही है हमारी ईशा, देखो। पहली बार स्कूल में डांस किया था मेरी ईशा। राम, मेरी ईशा की खुशियों को हमेशा नजर क्यों लग जाती है? वो कुछ भी करती है तो बस रागनी, बस रागनी, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। हमें ईशा की ताकत बनना है। दीप हमारी ईशा की जिंदगी का कीमती और यादगार हिस्सा था। हमारी ईशा ठीक हो जाएगी ना तो हमें उन यादों के सहारे हमारी बच्ची को एक नए सफर पर चलना सिखाना होगा। कमजोर नहीं बनना हमें। We have to be strong. अपनी बच्ची के लिए
सब खत्म हो गया, मैं डोडा ने लैला ने देख लिया। तू अभी तक जागी है? कल सवेरे बच्ची का नामकरण है, बहुत थकान हो जाएगी पूरे दिन, जाकर आराम कर ले और सो जा। चल गुड नाइट। भगवान की कृपा है जो छोरी ने लैला को ना पहले। खुशबू कैसे? मीत, मैंने तुम्हें बुलाया और मेरा प्यार तुम्हें यहां तक खींच कर ले ही आया। मीत, खेल खेल रही हो मीत? ठीक, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, आ जाओ। भले ना कहो लेकिन मैं जानती हूं ईशा के साथ जो हुआ उससे तुम्हें बहुत गहरा झटका लगा है। ऐसे में क्या तुम ये नामकरण की सेरेमनी है ये संभाल पाओगे? संभालना तो पड़ेगा ना भाभी जी, आज नहीं तो कल। आज से क्यों नहीं? और वैसे भी जब ईशा ठीक होकर वापस आएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो छोटी बच्ची। अच्छा भाई सुन लो सारे, जिसका भी नाम सेलेक्ट किया जाएगा उस बंदे को एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट मिलने वाला है मेरी तरफ से। है? तो सोच समझ के नाम लिखना। ओके
लेकिन ये जो नामकरण की जो सेरेमनी है वो तब होगी जब पंडित जी आ जाए, ठीक है? अब राजीव, पंडित जी कब आएंगे ये सिर्फ रागिनी जानती है, रागिनी कब आएगी पता नहीं, तब तक सारे काम रुके रहेंगे। अरे रागिनी ने जब बोला होगा पंडित जी को तो आ जाएंगे ना अपने टाइम पे, वो कहाँ।